गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल दिया, इसी वचन के साथ में हमने बप्पा को लास्ट ईयर विसर्जित किया था और एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बप्पा दोबारा से आ चुके हैं, आज है गणेश चतुर्थी। वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था, तो यहाँ पर मैंने जो है दहलीज का पूजन कर दिया है और अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी कर चुके हैं। हम एक दिन पहले स्वास्तिक बना दिए हैं, मेन गेट की पूजन कर दी है, हल्दी इत्यादि लगा दी है और बंधन मार भी लगा दिया है। बप्पा के आगमन की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, स्वागत की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे शुभ लाभ भी लिख दिया है दरवाजे पर और बप्पा के जो स्वागत की तैयारी है वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। मेरे घर में मेन गेट से लेके मंदिर तक में ना बीच में एक गेट और पड़ता है, तो यहाँ पर भी अच्छे से दहलीज का मैंने पूजन किया है और यहाँ पर धूप बत्ती जलाई थी और मेन जो गेट है वहाँ पर दीपक और धूप बत्ती दोनों जलाई थी। अष्टदल कमल बनाया था क्योंकि जो अष्टदल कमल होता है वो शुभता का प्रतीक होता है। इस दरवाजे पर भी मैंने अशोक के पत्तों का बंधन मार लगाया है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये नेगेटिविटी को, सारी प्रॉब्लम परेशानियों को दूर रखता है। और ये है हमारे मंदिर की दहलीज दहली, तो यहाँ पर भी हमने अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में स्वास्तिक बनाए हैं हल्दी से और बप्पा के आगमन की पूरी पूरी तैयारी की हुई है। और मंदिर के गेट के ऊपर भी मैंने एक बंधनवार लगाया हुआ है अशोक के पत्तों का, क्योंकि बंधनवार शुभता का प्रतीक माना गया है हमारे हिंदू शास्त्रों में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स पर। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूजा पाठ से संबंधित सभी वीडियो समय से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ अपने गणेश जी की चौकी के। हमारे घर में गणपति बप्पा आ चुके हैं और यहाँ पे हमने नवग्रह का पूजन किया है और यहाँ पर हमने वरुण कलश की स्थापना की है। और मैंने पूजा करते हुए वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि जो इस बार मुहूर्त था ना वो थोड़ा सा कम टाइम का मिला था और फिर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अलग से बप्पा की चौकी लगाई है जैसे कि हर बार लगाते हैं। और यहाँ पे वरुण कलश की स्थापना करी है, पंच पल्लव लगाए हैं और नीचे अष्टदल कमल भी बनाया है मैंने, हरे रंग के चावलों से बनाया है इस बार क्योंकि कपड़ा लाल रंग का था। यहाँ पे पप्पा का भोग प्रसाद रखा हुआ है, यहाँ पे जल रखा हुआ है और इस टाइम किसमें कुछ गिर ना जाए इसीलिए मैंने इसको ढक दिया है। और जैसा कि मेरी आदत है हर फेस्टिवल पर कुछ नया बर्तन लेने की, तो इस बार ना मैंने ये जो कलश आप देख पा रहे हैं उसका ऊपर जो ढक्कन है ये मैंने नया लिया है बप्पा के लिए। मेरी आदत है हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ ब्रास कर लेने की और ये एक मैंने आरती जो है नई ली है स्पेशली अभी के लिए। तो ये पंच दीपिका है, पांच जिसमें दीपक जलते हैं और नीचे ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरीके की मुझे आरती लेनी थी काफ़ी टाइम से तो मैंने ले ली। यहाँ पर मैंने अखंड दीपक जो है वो उनकी स्थापना की, उनका पूजन किया है यहाँ पर। और नीचे ना पहले मैंने सीधी थाली रखी थी बट प्रॉब्लम ये हो रही थी जो एक केस है सीधी थाली में ना इसका ढक्कन नहीं खुल रहा था, इसलिए मेरे को थाली को उल्टा करके रखना पड़ा। और थाली इसलिए रखी है जिससे बहुत ज़्यादा अगर दीपक गर्म हो जाएगा 10 दिन जलते जलते और केस भी गर्म हो जाएगा ना तो फिर कपड़ा जलने के चांसेस रहते हैं। और अच्छे से पूजा जो है वो मैंने इसकी भी की है, धुल दिया था इससे पहले एक दिन पहले मैंने। और यहाँ पे मोमबत्ती रखी हुई है, इस जब भी दीपक की बत्ती सही करनी होती है तो मैं इसमें ही ज्योति ले लेता हूँ, उसके बाद में दीपक की बत्ती सही कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे गणपति बप्पा हैं और गणपति बप्पा के साइड में ही मैंने रिद्धि जी और सिद्धि जो कि उनकी पत्नियाँ हैं उनकी स्थापना की है सुपारी के रूप में। और क्योंकि मूर्ति जो हम लेके आए उसमें रिद्धि सिद्धि नहीं थी तो सुपारी में आप नॉर्मली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे गणपति बप्पा के चरण और ऊपर में मेरे गणपति बप्पा हैं, इस बार बहुत ही सुंदर स्वरूप में आए, हर बार सुंदर स्वरूप में आते हैं, इस बार और सुंदर स्वरूप में आए। और
पप्पा के जो कान हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी कर लेंगे। इतने बड़े बड़े कान हैं कि सारी बातें पप्पा तक पहुंच जाएंगी। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पप्पा के जो कान हैं वो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मैं आपको ना लाइट बंद करके अभी दर्शन करा दूँगा, क्योंकि लाइट की वजह से आपको हो सकता है कलर्स जो है वो अच्छे से ना समझ में आ रहे हो। पप्पा का जो प्रिय फूल है गुड़हल का वो भी हमने अर्पित किया है, दुर्वा भी अर्पित की है, और पप्पा का पूजन हुआ है, बहुत ही अच्छे से पूजन हुआ था। और डेकोरेशन मैंने ज़्यादा नहीं करी क्योंकि अभी मंदिर ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेकोरेटेड था जन्माष्टमी की वजह से, तो मैंने कोई बहुत हैवी डेकोरेशन नहीं किया, नॉर्मल सी मैंने डेकोरेशन की है। और ऊपर की तरफ मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं, अशोक के पत्ते आप ज़रूर लगाएं क्योंकि अशोक के पत्ते इस पूजन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। और ये अब मैं आपको लाइट बंद करके दर्शन करा देता हूँ पप्पा के। तो बहुत ही सुंदर से पप्पा हमारे इस बार आए हैं, हर बार ही सुंदर ही आते हैं। और ये गुड़हल का फूल हमने अर्पित किया पप्पा को, ये हमारे गार्डन का फूल है। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने ना छोटे वाले पप्पा रखे हुए हैं, जो कि जो ऊपर बड़े जो नए पप्पा हम लेके आए हैं उनका तो विसर्जन हो जाएगा, लेकिन जो छोटे वाले गणपति जी हैं वो हमारे घर साल भर रहते हैं। यहाँ पर अखंड दीपक है और ये 10 दिनों तक तो किसी प्रकार जलता रहे, यही पप्पा से हमारी कामना है। और यहाँ पर ये छोटे वाले गणेश जी हैं, ये तो साल भर हमारे घर में रहते हैं। यहाँ पर दक्षिणा रखी हुई है, यहाँ पर भोग प्रसाद इत्यादि रखा हुआ है, और ये कुछ छोटी सी डेकोरेशन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।